हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड कराते हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उनकी सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, चाहे आप बीकॉम के बच्चे हो, बैफ, बीपीआई, बीएफएम, बीएमएस वाले बच्चे हो, एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी आपकी कंप्लीट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के बाद, कराने के बाद आपके उन क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया जाता है, जैसा कि हम लोग इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेन चालू किए हैं। इकोनॉमिक्स की जो सीरीज है हमारी, स्टार्टिंग से बोलते आ रहा, जो बच्चे एंडिंग टाइम पे देखेंगे वो सिर्फ 15 डेज की सीरीज फॉलो करेंगे, और जो बच्चे अभी से फॉलो कर रहे हैं तो उनको कंप्लीट 21 डेज की सीरीज फॉलो करनी है, जिसमें हम लोग अपना इकोनॉमिक्स 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सर टॉपिक है डे टू हमारा चल रहा है सर, एफआई बीकॉम सेम टू बिजनेस इकोनॉमिक्स टू का डे टू चल रहा है, और क्वेश्चन है सर फीचर्स ऑफ मोनोपोली। जिस ईयर में आया है मैंने देखा नहीं है, तो मैं स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा कौन से ईयर में पूछा था और क्वेश्चन किस तरीके से ये फीचर्स ऑफ मोनोपोली आपको पूछा जाता है। क्लियर है? चलिए, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है भाई बीकॉम वाले बच्चे, आप लोग का सेकंड चैनल जो आपका है आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, इस चैनल पे कंप्लीट मैथ्स एंड अकाउंट्स की हम लोग, जैसे आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स चल रहा है उसके बाद और भी कोई सब्जेक्ट पॉसिबल हो तो चलेगा आप लोग का, सेम ऐसे ही मैथ्स एंड अकाउंट्स की कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी सर हमारे सेकेंड चैनल पे, जिसमें मैथ्स का हमारा फोर्थ यूनिट चालू है, मतलब 3 यूनिट कंप्लीट करा दिया हूं, चौथा यूनिट आपका चल रहा है, और एग्जाम काफी टाइम है अभी, तो बहुत अच्छे तरीके से आप जाके नोट्स प्रिपेयर करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो मैथ्स का। और मैथ्स के बाद हमारी चालू होने वाली जल्द ही अकाउंट्स की सीरीज, फोर्थ यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपकी अकाउंटिंग की सीरीज चालू कर दी जाएगी सेकंड चैनल पे। यहाँ पे अदर सब्जेक्ट की हम लोग बात करने वाले हैं, आज बात करेंगे सर फीचर्स ऑफ मोनोपोली। मोनोपोली जो वर्ड है, मोनोपोली आपने पढ़ा है सर, ये एक वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया, कहां से डिराइव है सर? ग्रीक, एंड ग्रीक में उसके दो पार्ट हो गए सर। द टर्म मोनोपोली डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो इंपॉर्टेंट है इसलिए उसको रेड कलर में लिख देता हूं ताकि याद रहे आपको, ग्रीक से, जिसमें दो वर्ड है, एक तो है मोनो, सेकंड है सर पॉली। मोनो मींस होता है सर हमारा सिंगल, एंड पॉली मींस हमारा होता है सेलर, तो मीनिंग ही डिसाइड कर दिया सर, मोनो मींस सिंगल, पॉली मींस सेलर, देयरफॉर एक ऐसा मार्केट है मोनोपोली जहां पे सिंगल सेलर है, सिंगल प्रोड्यूसर है, सिंगल फर्म है, ये चीज आप बोल सकते हो कॉमन है सर। मोनोपोली मार्केट देयर इज ओनली वन सेलर, पहला ही है क्योंकि ये वर्ड ही बता रहा है, या फिर आप बोल सकते हो एक कोई प्रोड्यूसर एक है या फिर कोई एक फर्म है, इट इज सेड टू बी अ मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट आप किसे बोल सकते हो सर? जो एक सिंगल सेलर है उसको बोल सकता हूं सर, अगर कोई अकेला प्रोड्यूसर है उसको बोल सकता हूं सर, सिंगल कोई अकेला कोई फर्म है उसको बोला जाता है मोनोपोली मार्केट। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये सोचो, अब मीनिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ गया, फीचर्स आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाने चाहिए। अगर मान के चलो कोई एक फर्म है जो अकेले ही पूरे मार्केट पे कंट्रोल कर रहा है, मतलब अकेला मार्केट है तो कॉमन, सॉरी अकेला कोई सेलर है तो कॉमन से भाई मार्केट में पूरा कंट्रोल बना के रखेगा अपना, कितना गुड सप्लाई करना है, कितना प्राइस डिसाइड करना है, खुद अकेला मीन्स ओन डिसाइड करेगा। पहला तो सर पूरे मार्केट पे कंट्रोल रखेगा, सेकंड सर प्राइस किसी और से पूछेगा क्या कर, अकेला उसका सेलर है तो? बिल्कुल नहीं सर, वो प्राइस मेकर है, अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करेगा वो। क्लियर है? तो ये सब फीचर्स अपने आप माइंड में आपके आने चाहिए। मोनोपोली मीन सिंगल सेलर हु हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सप्लाई। मैंने क्या बोला, अभी अकेले अगर आप हो तो कॉमन से भाई कंप्लीट कंट्रोल रखोगे, लेकिन अगर आपके कॉम्पिटिटर होते जो कि आपके मोनोपोलिस्टिक में दिखेंगे, ओलिगोपोली में दिखेंगे, वहां पे आप कंप्लीट कंट्रोल पॉसिबल नहीं है, अपने प्रोडक्ट पे पॉसिबल है बट मार्केट में पॉसिबल नहीं है। ये बोल रहे भाई पूरे मार्केट पे Who have complete control over the supply of commodity in the market? पूरे मार्केट में सप्लाई पे कंट्रोल रख सकता हूं क्योंकि अकेला पर्सन है। एंड आगे है there is no close substitutes of the commodity। और बोल रहे ना कोई substitutes भी नहीं है, सब्स्टिट्यूट्स नहीं है तभी तो प्रॉब्लम है। अगर लोगों के पास सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है भाई तो आप ज्यादा डिमांड करोगे, आप ज्यादा प्राइस रखोगे तो हम चले जाएंगे दूसरे के यहाँ पे, ऐसा है होता है कि नहीं? बिल्कुल सर, मोनोपोलिस्टिक में आप यही देखोगे भाई, आप रेट बढ़ाओगे तो कस्टमर वहां शिफ्ट होगे, क्यों? क्योंकि बहुत सब्स्टिट्यूट्स अलग है भाई, अलग अलग वैरायटीज के सब्स्टिट्यूट्स की नंबर्स लग गए, मतलब नंबर्स लग गए, तो वहां पे पब्लिक क्या करेगी, आपने रेट बढ़ाया भाई
चलो दूसरे के पास, दूसरे ने बढ़ाया चलो तीसरे के पास, बट इस मार्केट में ऐसा केस नहीं, अकेले हो तो भाई नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है सामने वाले के पास, तो लोगों को भाई ऑप्शन नहीं है, वहीं से परचेस करना पड़ेगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, क्योंकि इस मार्केट में कंपटीशन की कमी दिख रही है। मोनोपोलिस्ट, मोनोपोलिस्ट कौन होता है भाई, मोनो जो सेलर है ना उसी को बोला गया मोनोपोलिस्ट, इज द प्राइस मेकर नॉट ए प्राइस टेकर। मोनोपोलिस्ट कौन होता है, प्राइस मेकर होता है ना कि प्राइस टेकर होता है। टेकर कौन होगा सर, बायर, क्योंकि वो एक्सेप्ट करेगा और मोनोपोलिस्ट डिसाइड करेगा आपका प्राइस। क्वेश्चन है सर फीचर्स ऑफ मोनोपोली, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। पॉइंट्स आप देखो, पहला पॉइंट ही है और रिमेनिंग आपके नीचे जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं सब इसी से लिंक होते हैं। पहला पॉइंट बोल रहे हैं सिंगल सेलर है, इन्होंने पहले पॉइंट में बोल दिया सिंगल सेलर, मतलब हमारे मार्केट में अकेला सेलर होगा, अकेला प्रोड्यूसर होगा, अकेला कोई एक सिंगल फर्म होगा। फर्म एंड इंडस्ट्री के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, हम ही प्रोड्यूस करेंगे, हम ही सेल भी करने वाले हैं, किसी कोई थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट नहीं होने वाली है। क्लियर है, चलिए। अगर कोई मार्केट में सिंगल सेलर होगा, देखो लिंक कैसे होता है वो देखो, अकेला सेलर हूं भाई, कोई और हमारे मार्केट में इस फील्ड में है नहीं, तो मैं प्राइस अपना खुद डिसाइड करूंगा, प्राइस मेकर हूं मैं, इसका मतलब मैं अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करूंगा, मतलब अपना खुद का प्राइस रूल, भाई मुझे कितने परसेंटेज का प्रॉफिट चाहिए, मुझे कितनी डिमांड बढ़ानी है या फिर डिमांड कम करनी है, मैं अपना ओन प्राइस रूल डिसाइड करूंगा। और अगर मैं अपना खुद का प्राइस रूल डिसाइड करता हूं, इसका मतलब सर मैं प्राइस मेकर हूं। कौन हूं मैं, प्राइस मेकर, जो प्राइस खुद डिसाइड करता है। क्लियर। और अगर आप प्राइस खुद डिसाइड करोगे सर, तो प्रॉफिट भी तो ज्यादा कमाओगे आप, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांसेस, कोई अगर अकेला किसी मार्केट में फर्म है तो कभी ये सोचेगा क्या सर कि मेरा लॉस हो, कॉमन से सर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। और जब उसको ये बात का पता चल जाए सर कि मैं इस मार्केट में अकेला हूं, मतलब पूरे मार्केट में मैं अकेला हूं, तो कॉमन से ऐसा प्राइस डिसाइड करेगा जिसमें वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैक्सिमम, मतलब गेन कर सके भाई, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सके। इसका लॉजिक, इसका हिंट प्राइस मेकर से, प्राइस अपना खुद डिसाइड करोगे तो इसका मतलब प्राइस मैक्सिमाइजेशन भी होगा। और अगला पॉइंट भाई सिंगल प्राइस है, तो ये तो पहले ही पढ़ चुके हो, कंट्रोल ओवर द मार्केट सप्लाई, आपका पूरे मार्केट पे कंप्लीट कंट्रोल है। मोनोपोलिस्टिक ओलिगोपोली में आपका सिर्फ आपके प्रोडक्ट पे, पूरे मार्केट पे नहीं चल पाएगा, क्योंकि आप अगर अपने प्रोडक्ट की सप्लाई रोकोगे तो कस्टमर के पास सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कस्टमर दूसरी जगह जाएंगे, बट इस मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं है भाई। उनको पता है, सेलर को पता है, मैं अकेला हूं, कस्टमर मेरे पास ही आएंगे, मैं जब मर्जी सप्लाई कम कर दूं, सप्लाई बढ़ा दूं, मेरे ऊपर है, जैसा प्राइस का भी है, प्राइस कम कर दूं, ज्यादा कर दूं, ओन डिसाइड रूल करता है, तो वैसे ही कंट्रोल करता है पूरा मार्केट सप्लाई। इसका रीजन है भाई क्यों कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, आपके आसपास कोई दिख नहीं रहा, कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं दिख रहा। सब्स्टिट्यूट्स मतलब समझता है सर, टी एंड कॉफी का एग्जांपल समझ लो भाई, ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूट आप बोल सकते हो भाई। कभी हमें चाय नहीं मिली तो कॉफी पी सकते हैं सर, बिल्कुल पी सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। कभी हमको पेप्सी नहीं मिली तो कोला पी सकते हैं सर, बिल्कुल। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट्स है। बट इस मार्केट में ऐसा पॉसिबल है क्या सर, नहीं। ये बोले भाई हमारे क्लोज ही नहीं है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, और सब्स्टिट्यूट्स नहीं है इसीलिए तो ये सब बेनिफिट्स आप उठा रहे हो भाई, प्राइस को डिसाइड कर रहे हो, प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो, आप पूरे मार्केट पे कंट्रोल रख रहे हो और अकेले हो, इसीलिए तो अकेले सेलर हो ना भाई, इसीलिए नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, आपके पास कोई सब्स्टिट्यूट्स सामने वाले के पास नहीं है। क्लियर, बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे सर बैरियर्स टू एंट्री, मतलब इस मार्केट में एंट्री करना हार्ड है, एंट्री करना हार्ड है। आपने परफेक्ट कॉम्पिटिशन में पढ़ा फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कोई भी पर्सन भाई जब मर्जी आ जाओ और जब मर्जी आपकी चले भी जाओ, मतलब लॉस में जा रहे हो। बट ये मार्केट बोल रहा है भाई नहीं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, आपको यहाँ पे काफी मेहनत करना पड़ेगा, मतलब पहले तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट ने बनाया होगा, और बहुत सारा पैसा भी लगेगा आपका भाई, फाइनेंस भी लगेगा, और बहुत सारे अदर इन्वायरमेंट हमारे इन्वॉल्वमेंट होते हैं, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, मतलब इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, इसीलिए इस मार्केट में एंट्री करना हार्ड है। ऐसा नहीं लिखा गया कि नहीं है पॉसिबल, लेकिन हार्ड है भाई, इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, आप सब पॉइंट छोड़ सकते हो, सब नहीं यह सिंगल सेलर को लिखना है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे क्वेश्चंस भी दिया मैंने, तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एटलीस्ट आपसे आपको उसका मतलब पता होना चाहिए सर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। अब यहां पे एक एग्जांपल समझो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ताकि समझ आए आपको, सिंपल सा एग्जांपल। कोई स्टूडेंट आता है सर, पूछता है फीस कितना है, मैंने सपोज बोल दिया सर 20,000 आपका फीस है,
ठीक है। सेकंड कोई पर्सन आता है, कोई और स्टूडेंट है, उसको मैंने बोला चलो आप 18,000 दे देना। थर्ड कोई पर्सन आया, मैंने बोला भाई कि आपसे 22,000 चार्ज करूंगा। फिर आया कोई 20,000 बोला, फिर 18 बोला, फिर 16 बोला, ऐसा समथिंग चार्ज कर रहा हूं। अब ध्यान रखो जितने भी बच्चे आए सबसे मैंने कुछ डिफरेंट चार्ज किया, लेकिन जब मैं लेक्चर्स प्रोवाइड करा रहा हूं भाई तो सेम ही प्रोवाइड करा रहा हूं ना भाई। जो लेक्चर्स मैं उस बच्चों को दे रहा हूं सेम उस बच्चे दूसरे बच्चों को भी दे रहा हूं। इसका मतलब मैंने यहां पर क्या किया भाई, सेम सर्विस प्रोवाइड करा के डिफरेंट डिफरेंट चार्ज ले लिया लोगों से, बच्चों से डिफरेंट चार्ज ले लिया। इसको बोला जाता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मतलब आप सेम प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट के केस में दे सकते हो भाई, यही प्रोडक्ट मैं किसी को 25 में दे रहा हूं, किसी को 24 में दे रहा हूं, किसी को 26 में दे रहा हूं। तो ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और ये कौन से मार्केट में पॉसिबल है? परफेक्ट कंपटीशन में तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वहां सिंगल प्राइस रूल था। ये मोनोपोली मार्केट बोलता मैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अप्लाई करूंगा। मतलब सर सेम गुड्स एंड सर्विसेज का मैं अलग अलग चार्ज करूंगा। अब क्यों चार्ज होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, वो आप पढ़ोगे आगे के डे में, मतलब जो हमारा यूनिट थर्ड चलेगा। आई थिंक प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन जो है वहां पे दो क्वेश्चन है, वहां पे आप पढ़ोगे क्या इसका लॉजिक है, क्यों इसका रीजन है, प्रैक्टिकल है भी या फिर नहीं है, तो वहां पे हम बेसिकली देखेंगे। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का सिंपल सा क्या मतलब हो गया सर, सेम गुड्स एंड सर्विसेज का भाई, सेम सबको वही प्रोवाइड करा रहा हूं बट चार्ज मैं अलग अलग कर रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? हर कस्टमर से अलग अलग चार्ज किया तो उसी को बोला जाता है सर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट सर लार्ज नंबर ऑफ बायर, इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए भाई। लार्ज नंबर ऑफ बायर बोल रहे मार्केट बायर तो हर मार्केट में लार्ज है और हर मार्केट में प्राइस टेकर है, हर मार्केट में प्राइस टेकर, क्योंकि बायर से कभी थोड़ी पूछ के बोला जाता है भाई कितना प्राइस रखे। क्लियर? सेलर डिसाइड कर लेता अपने डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर को देखते हुए। यहां पे सिंगल सेलर है तो क्यों डिमांड सप्लाई देखना भाई, अपनी मर्जी का मालिक हो। क्लियर? डिमांड कर भी देखो आ गया, डिमांड कर इस मार्केट में कैसा होगा सर, डाउनवर्ड होगा। और जिन बच्चों को डिमांड कर भाई लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हो, डाउनवर्ड अब तक पता हो जाना चाहिए। जब हमारे सर दोनों फैक्टर्स जो हमारे होते हैं अपोजिट अगर चल रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे डिमांड कर क्या होता है सर, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मतलब इसमें सर कैसे डाउनवर्ड है, सेलर को अपनी सप्लाई बढ़ाना है तो वो क्या करेगा सर, कॉमन से प्राइस कम करेगा। और प्राइस जैसे ही कम करता है सर हमारा डिमांड बढ़ता है, और उसने अगर प्राइस को हाई कर दिया तो डिमांड हमारा लो हो जाता है। इसका मतलब इस केस में डिमांड कर्व हमारा कौन से नेचर का होगा सर, डाउनवर्ड नेचर का होगा। मतलब डिमांड कर्व किसमें आएगा सर, डाउनवर्ड आएगा। क्लियर? इसका डायग्राम बनाना है तो आप जैसा लॉ ऑफ डिमांड में बनाते थे याद अगर होगा तो ऐसा बना सकते हो। वैसे मैंने नोट्स में प्रिपेयर नहीं किया इसका डिमांड कर में डायग्राम नहीं बना, बट आपको एग्जाम में बनाना है तो आप बना सकते हो। एंड इन्फॉर्मेशन कि जो बच्चे ने मेरा सजेशन है डे वन से आप सीरीज फॉलो करो, और जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है कॉन्टेक्ट नंबर पे व्हाट्सअप करके आप नोट्स, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो नोट्स ले सकते हो। 8452020551 व्हाट्सएप करके सिर्फ मेंशन कर देना सर एफवाई बीकॉम सेम टू मार्केट का नोट्स चाहिए, तो आपको नोट शेयर कर दिया जाएगा। क्योंकि साथ में जैसे आप को लेक्चर्स मिल रहा तो साथ में प्रिपेयर भी करो। अब काफी बच्चों को ये भी डाउट रहता है सर कितने पॉइंट्स लिखने रहते हैं, कितना कॉन्सेप्ट लिखना रहता है। देखो आपको मीनिंग पार्ट लिखना है सर, मीनिंग इतना बड़ा लिखना है क्या? नहीं भाई, इतनी बड़ी मीनिंग नहीं लिखना अगर याद नहीं होता आपको। पहला इंपॉर्टेंट है, सेकेंड इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई एक ऐड कर सकते हो आप। कितना सर? एक कोई ऐड करो, ये तीन में से मेंशन कर दे रहा हूं, कोई एक ऐड करो बस। कंप्लीट पांचों में ऐड करो। डिफाइन अगर याद होता है तो बहुत बेस्ट है, डिफाइन में नोट्स में ऐड किया हो तो आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। एंड फीचर जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो भाई 7 to 8 मैक्सिमम है, 8 पॉइंट से ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए, तो इतने ही लिखना है। तो आप बच्चों को ये डाउट नहीं होना चाहिए सर कितना पॉइंट्स लिखना है, कितना एक्सप्लेन करना है। नोट्स में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन करके दिया है तो आपको उतने ही करने हैं। पॉइंट्स ज्यादा लिखे हैं तो पॉइंट्स 8 पॉइंट्स कोई जो आपको इजी लगते हैं उसकी प्रिपरेशन आपको कर लेना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करो, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके ना भाई बीकॉम वाले शेयर करते रहो। चैनल का लिंक अपने कॉलेज में, अपने क्लासेस में, अपने जो भी दोस्त यार बना के रखे हो, फ्रेंड सर्कल, सबको चैनल का लिंक शेयर करते रहो। एंड किसी बच्चों को डाउट कंफ्यूजन है भाई कॉमेंट में वो भी ऐड कर दो भाई, कॉमेंट बॉक्स इसलिए भी खुला है कि डाउट भी है एंड सर की अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो भाई तारीफ करने के लिए भी खोल के रखा गया, ताकि हर बच्चे आके वहां पे कमेंट कर सकता है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।